मैंने आर्मी हॉस्पिटल की फाइल भी देखी है और मेजर साहब की हालत भी। गोलियों से उनका लीवर पूरी तरह डैमेज हो चुका है। मुझे लगता है लीवर ट्रांसप्लांट इज ओनली ऑप्शन। डॉक्टर साहब, रमेश की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा। हमारे डॉक्टर्स की टीम ने चेक करके ब्रेन डेथ कंफर्म कर दिया है और इस हालत में उनका जीवित रहने का कोई चांस नहीं है, लेकिन रमेश फिर भी जिंदा रह सकता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जरिए। हमें ऑब्जेक्शन है। आप ऑर्गन डोनेशन के लिए हाँ कर दीजिए। तो दिमाग ठिकाने पे है। महर्षि दधीच जी ने समाज की भलाई और विश्व के कल्याण के लिए जीते जी अपने अस्थियों का दान दे दिया था। क्या ये पॉसिबल है? क्यों, बोन मैरो पॉसिबल है तो क्या बोन नहीं? अंग दान जैसे कि किडनी, हार्ट का दान पॉसिबल है और पूरे शरीर का दान नहीं? आपको ये शायद एहसास भी नहीं होगा कि आपका बेटा रमेश इस दुनिया से जाकर भी इस दुनिया में ही रहेगा। यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि हमें हर साल 25 लाख हार्ट, लीवर, किडनी आदि डोनेशन की जरूरत है। मैं आपको हजारों साल पहले अपने ही किसी पूर्वज के बारे में बताता हूँ, जिन्होंने समाज की भलाई और विश्व कल्याण के लिए जीवित अवस्था में अपना पूरा शरीर दान कर दिया। वास्तव में जो सनातन धर्म में गोत्र व्यवस्था है वो इनके पुत्र पिपलाद के द्वारा की गई। किसकी बात कर रहा है? महर्षि दधीची जी की। And I think he was the world's first organ donor.